हेलो गाइस, आज हम करने वाले कुछ स्टेप की फ़ोटो एडिटिंग। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपको इस फोटो को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको मॉडल का फ़ोटो जो ऐड कर लेना है, कटआउट करके ऐड कर लेना है। अगर आप कटआउट का करना नहीं आता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या तो फिर आई बटन में आ जाएगा, वहाँ से आप कटआउट करना सीख सकते हैं। तो आपको इसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये रिंग वाला PNG को ऐड कर लेना है। ये वाला रिंग वाला PNG को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद लेयर्स वाले टूल में जाकर मूव डाउन कर देना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये जो स्मोक वाला PNG से ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आपको ब्लेंडिंग मोड ऑन करके स्क्रीन कर देना है। उसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये जो ये PNG है उसे ऐड कर लेना है। उसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको ऑक्सिविटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। इसके बाद इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। इसका इसे इरेज टूल में लेके जाना है। इरेज टूल में जाने के बाद साइड साइड से इसे इरेज कर देना है। साइड साइड से इरेज कर देने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, अपने हिसाब से कम कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये आई वाला PNG है उसे ऐड कर लेना है और इसे अच्छी तरह से आँख में एडजस्ट कर लेना है। इसे अच्छी तरह से आँख में एडजस्ट कर लेने के बाद ओपेसिटी को थोड़ा सा घटा लेना है। इसके बाद आपको इरेज वाले टूल में जाना है। इरेज वाले टूल में जाने के बाद इसे अच्छी तरह से इरेज कर देना है। साइड साइड में निकल गया, उसे इरेज कर देना है। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और वही वाला PNG को फिर से आपको ऐड कर लेना है। फिर से ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से आँख में फिर से दूसरे वाले आँख में एडजस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से दूसरे वाले आँख में एडजस्ट करना है आपको। इसका एक्सिविटी को थोड़ा सा घटा लेना है। इसके बाद आपको फिर से इरेज वाले टूल में जाना है। इरेज वाले टूल में जाने के बाद इसे अच्छी तरह से साइड साइड में इरेज कर देना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है।
अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको ड्रॉ वाली टूल में जाना है। ड्रॉ वाली टूल में जाने के बाद आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको रेड कलर को ऐड कर लेना। इसके बाद शेप में जाना है और सर्कल वाला शेप को ऐड कर लेना और इसे अच्छी तरह से सर के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। सर के ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाना है और ट्रांसफॉर्म में थ्री डॉट में जाके ट्रांसफॉर्म कर देना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है आपको। अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से डेविल सर्च कर लेना है। डेविल सर्च कर लेने के बाद आपको ये वाला पीएनजी को ऐड कर लेना है और इसे अच्छी तरह से सर के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। इसे अच्छी तरह सर के ऊपर एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से डेविल सर्च करना है। डेविल सर्च कर लेने के बाद आपको थोड़ा नीचे की ओर जाना है और आपको डेविल लिखा हुआ पीएनजी को ऐड कर लेना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फ़ोटो को सेव कर लेना है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।